माँ जी ये तो चोर लग रहे हैं। अंदर दो मोर घुस सके। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं। भाई अंदर मोर नहीं चोर हैं, और वो भी दो दो, हमने खुद उन्हें सामान उठाते हुए देखा है। अरे भाई कोई उन्हें जाके रोक के, अगर वो टीवी उठा के ले गए तो मैं सभा के ड्रामे कैसे देखूंगा भाई। ओ महमूद साहब अपने जज्बात पे कंट्रोल करें और चले मेरे साथ अंदर चल के चोर पकड़े यार। नहीं 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 नबील, पूरी मेरे ना घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको चोर पकड़ने को कह रहा हूँ, फुटबॉल खेलने को नहीं कह रहा। किस कदर बुजदिल आदमी है आप। माँ जी आप चले मेरे साथ, चल के उनको उनकी नानी याद कराते हैं। तू उन चोरों की नानी को भी जानता है? और नहीं माँ जी ना, तो फिर तू बच्चों को नानी कैसे याद दिलाएगा उनकी, हैं बच्चों? अरे मोमो चली जाओ ना, इस बेचारे के साथ डर रहा है। नहीं नहीं मेरे भी ना घुटने में बहुत दर्द है जी। अरे ये घुटना नहीं है, तुम्हारी कोनी है। भाई इससे पहले कि वो दोनों चोर घर का सफाया करें, आप लोग कुछ करें ना यार प्लीज। वो यार इन चोरों को ईद वाले दिन भी सुकून नहीं है, बता ईद के दिन तो छुट्टी कर लेता है ना यार। सीए कौन से क्वेश्चन है? ओ यार खूबसूरत तुम ना बच्चों के साथ लॉन में ही रुकना। यार हम बट साहब को क्यों नहीं बुला लेते, वो पकड़ लेंगे उनको आकर। ओ जानू बट साहब जो है वो तीन दिन जो ईद के होते हैं वो ड्यूटी नहीं करते यार, उनकी तीन बीवी हैं, तीनों को घुमाने लेके जाते हैं। कितने लकी हैं बट साहब। अब महमूद साहब कंट्रोल करें वरना माँ जी कुट लगाएंगी। जिस बात पे कंट्रोल करें अपने, चले मेरे साथ। बल्कि एक काम करते हैं महमूद साहब, मैं और माँ जी ना आपके बड़े सारे मुंह के पीछे छुप जाए। हाँ, हाँ। और ये भी हो सकता है कि चोर इनका बड़ा मुंह देखकर भाग जाए। अच्छा बकवास नहीं करो, तुम दोनों के मुंह भी कोई इतने छोटे नहीं है। आओ मेरे साथ, आओ आओ। मैं अभी मार के बताती हूँ। और यार आप लोग एक मिनट तो चुप करें। ये क्या कर रहे हो? अरे नबील पुत्र तू मेरी तस्वीर क्यों नहीं खींच रहा? मैंने डंडे मारे इन लोगों को। ओ माँ जी ये तस्वीरें मैं बट साहब को भेज रहा हूँ, हो सकता है इन डाकुओं पर करोड़ों रुपए का इनाम हो। उशोबशे इसका मतलब है कि मैं करोड़पति हो जाऊंगी। और मैं भी। चुप है, डंडा मैंने मारा है, अनाम भी मुझे ही मिलेगा मकसूद। महमूद ओ ये कौन कटिया आदमी है? आपके शौहर है माँ जी। अरे यार नबील ये तस्वीरें तुम उस स्टेट एजेंट को भी तो भेजो ना। अरे वो तो बहुत बढ़िया मार रहा था कि यहाँ कोई कबूतर भी पर नहीं मार सकता। अरे यहाँ तो पूरा गैंग का गैंग है। हाँ महमूद साहब पहली बार आपने पते की बात की, अभी भेजता हूँ। देखा मशकूर आपकी बीवी कितनी बहादुर है, कैसे टन टन मरा है टिंडो पे। अरे मामा तुमने तो बीच में आके सिर्फ बेहोश किया ना। अरे मेरे सर पे तो खून सवार था, मैंने इनको जान से मार देना था। ओ बस कर दे महमूद साहब, थोड़ा सा हल्का है, खुदा का नाम माने। आपकी खौफ से टांगे कांप रही थी, वो तो माँ जी और मैं जो है वो खानदानी दलेर है यार, और मैं तो बचपन से चोर पकड़ता आ रहा हूँ, मेरे लिए नई बात थोड़ा थी। क्यों माँ जी? चला झूठिया, तू तो खुद बचपन में इतनी चोरियां करता था, तेरी कितनी शिकायतें आई थी जलील। नबील माँ जी महमूद साहब अब देखिएगा मोहल्ले में हमारा कैसा रोब बैठेगा, पूरे मोहल्ले में हमारी वाह वाह होगी। जो पूरे मोहल्ले में हमारी होगी वो वाह वाह होगी। हाँ जी अच्छा जी। अरे महमूद साहब डाकुओं के साथ एक सेल्फी बना ले माँ जी। मेरी डाकू रानी के साथ बनाओ। महमूद साहब आज वो आज वो आज वो, ओए उसको तो नजर आने दो यार, डाकू तो नजर आ